सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि हमारे चैनल का वेरी फर्स्ट वीडियो था। उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कैसे हम अपने मॉनिटर के ऊपर नो इनपुट सपोर्ट एरर आता है, उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। सो दोस्तों, कल मैं उसी वीडियो का कमेंट बॉक्स देख रहा था कि बहुत सारे लोगों को उस वीडियो से मदद मिली है, उनका एरर जो है फिक्स हो चुका है। लेकिन अभी भी काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं या डीएम आते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है नो इनपुट सपोर्ट एरर का, वो फिक्स नहीं हुआ है। तो मैं सोच रहा था कि उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने नो इनपुट सपोर्ट एरर को फिक्स कर सकते हैं या किन कारणों से ये एरर आता है। सो बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखिएगा और चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल से 7 कारण बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप अपना जो नो इनपुट सपोर्ट एरर है फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहला स्टेप जो है उसमें आप चेक कीजिए कि आपकी जो डिस्प्ले मॉनिटर है उसकी कोई केबल जो है वो लूज तो नहीं है कहीं पर। आपकी HDMI, VGA या डिस्प्ले पोर्ट, जो भी आप केबल यूज करते हैं, उसमें कहीं खराबी तो नहीं है। यहां पर आप दोनों साइड में चेक कीजिएगा कि यहां से आपने इनपुट लिया है या फिर आउटपुट में आपका केबल जो है ठीक से कनेक्टेड है या नहीं। ये चीज भी हो सकती है या फिर आपका जो डिस्प्ले केबल है वो भी खराब हो सकता है, जिसकी वजह से ये एरर आपको शो कर रहा है। सो दोस्तों, अभी बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। अगर आपने नया मॉनिटर लिया है तो बेहद जरूरी है कि आप उसका जो सेटिंग्स है HDMI, VGA या डिस्प्ले पोर्ट, जो भी आप यूज कर रहे हैं वो सेम सिलेक्टेड हो उसमें। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अपने मॉनिटर में जो बटन दिए गए हैं उनका यूज करके आप उसको ऑटोमेटिक में भी रख सकते हैं। मान लीजिए कोई भी इनपुट सपोर्ट आपने उसमें लगा रखी है, या VGA हो या HDMI हो या जो भी हो, उसमें केबल लगा रखी होगी तो उसी इनपुट को वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। सो दोस्तों, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। सो फ्रेंड्स, ये तो बात होगी हमारी हार्डवेयर की, केबल की, मॉनिटर की। लेकिन यहाँ पर तीसरा नंबर हमारी बात आती है, मान लीजिए सॉफ्टवेयर में अगर आपके कोई प्रॉब्लम हो उसकी वजह से भी ये एरर आ सकती है। सो दोस्तों, अगर आपने रिसेंटली अपना ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल किया है तो सबसे पहले जाइए अपना ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर इंस्टॉल कीजिए या फिर ड्राइवर्स को अपडेट कीजिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जितने भी आपके डिस्प्ले के ड्राइवर्स हैं उनको भी आप अपडेट कीजिए डिवाइस मैनेजर में जाके, तो उसको भी आप आराम से अपडेट कर सकते हैं, उससे भी आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। सो दोस्तों, यहाँ पर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि अपने कंप्यूटर को आप रीस्टार्ट करके देखिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार रीस्टार्ट हमने कई बार किया, लेकिन आप इन सारी सेटिंग्स को करने के बाद भी एक बार रीस्टार्ट करके देखिए। कई बार सिंपल रीस्टार्ट की वजह से भी हमारा कंप्यूटर में एरर आता है और ये बहुत ही सिंपल सा एक फिक्स है। सो दोस्तों, अगर ये 4 स्टेप आपने फॉलो किए हैं लेकिन फिर भी आपकी एरर जो है फिक्स नहीं हुई है, तो आप एक काम कीजिए, नेक्स्ट आप अपने जो मॉनिटर है उसको एक अलग कंप्यूटर से या लैपटॉप से कनेक्ट करके देखिए कि उसमें भी सेम एरर आता है कि नहीं। सो दोस्तों, यहाँ पर हमें कन्फर्म होगा कि कहीं हमारा मॉनिटर ही खराब तो नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने मॉनिटर को किसी अलग लैपटॉप से या फिर अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करें। सो दोस्तों, बाय चांस अगर ये 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, अगर ये 5 के 5 काम नहीं करते हैं, तो आप 6 नंबर पॉइंट जो है हमारा उससे काम कीजिए। सबसे पहले जाइए अपने मॉनिटर के ऊपर और वहां से आपको रीसेट बटन मिलेगा, वहां से आप अपनी जितनी भी उसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स है उसको रीसेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहां से मॉनिटर को जैसे ही आप रीसेट करेंगे तो उसमें हो सकता है कि आपका एरर जो है फिक्स हो जाए। तो आप लास्ट में हमारा जो एक मेन पॉइंट है जो कि मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप सेफ मूड में बूट कीजिए अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को और वहां पर जाकर आप देखिए कि आप सेफ मूड में बूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर कर पा रहे हैं तो जो जो सेटिंग मैंने पिछली वीडियो में बताई थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और यहां पर भी लगा दूंगा आई बटन में भी, तो वहां से आप जाकर इजीली अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।